Hi BookTube, this is Monashree. Welcome back to my BookTube channel. So today I will give a review about a book. The name of this book is Six Acres a Thought. Actually it's a Odia book, or its Odia name is Chhamana Athagunta. Chhamana Athagunta by Faqir Mohan Senapati. Faqir Mohan Senapati is one of the famous Indian writer, aur unhone bahut sare novel, short stories or poetries and dramas लिख चुके हैं. उनका जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम है रेवती. और फकीर मोहन सेनापति इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर. और इस किताब की कहानी को लेकर ओडिया टीवी सीरियल्स और ओडिया मूवीज़ भी बन चुके हैं. और अगर आप ओडिया बुक्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि इस किताब के बारे में. जो इंग्लिश ट्रांसलेट किताब है वो गूगल बुक्स पर आपको मिल जाएगा. और इस किताब को कुछ लेखकों और कुछ अनुवादकों मिलकर इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, जिनका नाम है रविशंकर मिश्रा, सत्यपी महंती, जतेंद्र के नायक और पॉल जो की कनाडा यूनिवर्सिटी में. किताब की कैरेक्टर के बारे में बातें करते हैं. इस किताब में बहुत सारे कैरेक्टर है, हम सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे. जो पहला कैरेक्टर है रामचंद्र मंगराज, वो बहुत ही लोभी और कंजूस टाइप का इंसान है, और भी एक जमींदार है. और वो तो भी होते हुए भी वो भगवान को बहुत मानता है, और वो इस साल में बहुत सारी पूजा रखता है, और वो व्रत करता है और उपवास करता है. वो तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है जमींदार की वाइफ, और उन्हें सब सांतणी कहकर पुकारते हैं. और सांतणी जो की वार्ड है वो एक ओडिया वार्ड है. और तो सांतणी एक आध्यात्मिक स्त्री है, वो भगवान को बहुत मानते हैं, और वो एक अच्छी पत्नी भी है. तो उसके बाद जो दो कैरेक्टर आते हैं वो भी मेन कैरेक्टर है, उनका नाम है सारिया और भगिया. वो दोनों पति पत्नी है, और उनके पास जो जमी है वो है सिक्स एक्रेस और थर्ड. और वो बहुत खुश है, और उनके पास एक काओ भी है, वो उसे पालते हैं, और उसका नाम नेता है. सारिया और भगिया के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं है, पर उनके पास जो है वो है छमणा आठों गुंठा. और उनके पास एक संतान नहीं है, इसीलिए वो थोड़े दुख में है. तो उसके बाद जो दोनों कैरेक्टर है उसका नाम है चंपा और गोबरा जैना. वो दोनों जमींदार के घर में काम करते हैं. इस किताब की कहानी शुरू होती है जमींदार के घर से, और जमींदार सारिया और भगिया का जो सिक्स एकर थर्ड जमी है वो उसे पाना चाहता है, और वो लूटना चाहता है उन्हें. रामचंद्र मंगराज चंपा और गोबरा के साथ मिलकर बहुत सारे प्लानिंग करता है. और यहाँ पर सारिया और भगिया के पास कोई संतान नहीं है, और ये सब सोचकर वो थोड़े दुखी है. और तो चंपा जाकर सारिया और भगिया को ये कहता है कि गांव में जो मंदिर है वहाँ पर एक पूजा रखते हैं, और पूजा रखने के बाद हो सकता है कि तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. तो वो लोग ये पूजा रखने के लिए राजी तो हो गए, पर उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था ये पूजा करने के लिए. और पूजा के लिए बहुत सारे पैसे खर्चे होंगे, ये भी बहुत सारे पैसे चाहिए था. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जॉमी जो सिक्स एक्सप्रेस से थर्ड वाला जमी था वो जमींदार के पास गिरवे रख दिया. और उसके बाद उन्होंने पूजा की. उसके बाद सारिया और भगिया ने उसकी भूमि छुड़ाने के लिए वो जमींदार के पास गए, और यहीं से ही सारिया और भगिया का स्ट्रगल जारी रहा. उन दोनों ने अपनी भूमि छुड़ाने के लिए जमींदार के पास गए, और वो उनके पास कोई भी पैसा नहीं था भूमि छुड़ाने के लिए. इसके बदले उनके जो काव था नेता वो उससे भी ले गए, और उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाया. तो अचानक सारिया का मृत्यु हो जाता है, और उसका डेड बॉडी जमींदार के बगीचे में मिलता है, और इसके वजह से जमींदार गिरफ होता है. और तो आखिर एंड ऑफ द स्टोरी जमींदार को फांसी चढ़ाने के लिए ले जाते हैं. अगर आप ओडिया बुक्स पढ़ते हो और ओडिया बुक्स रीडर हो तो आपको पता होगा कि इस फकीर मोहन सेनापति ने इस किताब को, अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि फकीर मोहन सेनापति ने इस किताब में टिपिकल ओडिया वर्ड का यूज़ करके बहुत अच्छे से इस किताब को लिखा है. और ओडिया, अच्छा तो ओडिया रीडर हो तो वो अंग्रेजी में पढ़ने में वो मज़ा नहीं आएगा जो कि ओडिया में पढ़ने में जो मज़ा आएगा. अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस किताब पढ़कर मुझे कैसा लगा. मैं इस किताब को ओडिया में ही पढ़ी थी, और इधर मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये किताब मैंने कब का पढ़ चुकी थी, और ओडिया में इस किताब को मैंने पढ़ी थी. और ये जो किताब मैं पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ वो उसका अंग्रेजी नावल है. और तो आप चाहो तो इस किताब को आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो. अगर आपको ओडिया समझ में आती है तो आपको ओडिया में पढ़ सकते हो, अगर ओडिया समझ में नहीं आती है तो अंग्रेजी में पढ़ सकते हो. तो फिर आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.